आप एक ऐसा प्रोफेशन में जा रहे हैं जिसमें तीन प्रकार के महत्व आपको मिलता है। आपको सेवा करने का भी अवसर मिलता है, आपको आजीविका के लिए भी अवसर मिलता है, दोस्तों आपको समर्पण करने का भी अवसर मिलता है। ये तीन टाइप के अवसर एक केवल मेडिकल क्षेत्र के लोगों को ही मिल सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का हेल्थ मॉडल अलग है। हमारे देश में हेल्थ कभी कॉमर्स नहीं है। मैंने कोविड क्राइसिस के दरमियान देखा विश्व का हेल्थ का कॉमर्स मॉडल, और कोविड क्राइसिस के दरमियान दुनिया ने हिंदुस्तान का हेल्थ का सेवा का भी मॉडल देखा। हिंदुस्तान के लिए हेल्थ एक कॉमर्स बाद में है, पहले सेवा है। और इसलिए जब आप जाहिर जीवन में काम करेंगे दोस्तों, आप को हॉस्पिटल चलाएंगे या तो कोई हॉस्पिटल में काम करेंगे, इस देश में हॉस्पिटल को मंदिर माना गया है। हिंदुस्तान की जनता को डॉक्टर के प्रति श्रद्धा और विश्वास है। हिंदुस्तान की जनता डॉक्टर को ईश्वर के रूप में देखते हैं, और इसलिए हमारी हॉस्पिटल ये मंदिर है, और मंदिर में आने वाले पेशेंट हमारे लिए ईश्वर है दोस्तों। और ईश्वर की सेवा के लिए, पूजा के लिए हम तो डॉक्टर के रूप में पुजारी है, और इसलिए हम भविष्य में कोई भी कहां भी काम करे, हमारे दिल से सेवा भाव नहीं जाना चाहिए। हमारा कर्तव्य सेवा के साथ जुड़ा होना चाहिए। और थोड़े दिन पहले मुझे एक अमेरिका की बड़ी कंपनी के एक सीईओ मिलने आए, तो उन्होंने मेरे सामने विषय रखा। वो बता रहे थे कि मंत्री जी, ऑनरेबल मिनिस्टर, आई वॉन्ट टू से समथिंग, ऐसा करके उन्होंने बात करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हेल्थ के पीछे अमेरिका की जीडीपी का 5% खर्च हो रहा है, ब्रिटेन में 6% हो रहा है, इटली में 5% हो रहा है, ऐसा करके वो डेवलप्ड कंट्री की डिफिनेशन मुझे दे रहे थे। मैं उसको सुन रहा था, और बाद में मैंने कहा कि कोई कितना भी परसेंट अपने जीडीपी के पीछे खर्च करते हो, लेकिन ड्यूरिंग कोविड क्राइसिस मैं दुनिया के साथ बात कर रहा था, दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर के साथ बात कर रहा था, कई कंट्री डेवलप्ड कंट्री में, उसका नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन डॉक्टर ड्यूटी पर नहीं आते थे, नर्स डर के मारे ड्यूटी पर नहीं आते थे, उसके पास मेडिसिन नहीं थी, उसके पास कोविड मैनेजमेंट के लिए दिशा नहीं थी। दोस्तों हिंदुस्तान का मॉडल हिंदुस्तान का होता है। मैंने कहा कि हमारे यहां हमारे डॉक्टर्स, हमारी नर्स, हमारा पैरामेडिक स्टाफ ऐसी विपरीत परिस्थिति में अपना छोटा छोटा बच्चे हो, एक एक महीने तक वो बच्चों को नहीं मिले थे, व्हाट्सएप से सेटिंग से बच्चों को देख लेते थे और आंख में से आंसू बस बहा लेते थे, लेकिन वो कर्तव्य भाव से काम करते थे, मेरी ड्यूटी है, मुझे रहना चाहिए। कई डॉक्टरों ने अपना जान गंवा दिया, लेकिन देश की सेवा की। मैंने कहा कि हिंदुस्तान का मॉडल है।